जी ओके जी, मैं बता रही हूँ एंटी रिंकल सीरम। अच्छा झुर्रियां, ऐसा सीरम है मार्केट में 3500 से लेकर 4500 तक का। अच्छा इसको कहते हैं माइक्रो पील एंजाइम सीरम और एक दिन में ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें ईद तक के तो बहुत ही अच्छा फेस हो चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा दो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं, दो हमें फ्रिज से चाहिए होंगे। ठीक है, झुर्रियां आपकी कैसे ख़त्म हो सके ये देखना ज़रूरी है। एक जवानी में एक सर्टन एज में तो आप जो है वो इतना ख्याल नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर जब आपकी अम्माएँ आपकी नानियाँ दादियाँ जो है उनकी आप झुर्रियाँ देखते हैं ना फेस पे, फिर बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं वो केयर करती हैं, फिर वो अपनी अम्मी के या अपनी नानी दादी के चेहरे पर लगाती हैं। अक्सर ऐसा होता है आपकी खालाएँ कुछ या आपकी फुफियाँ वगैरह वो अनमैरिड होती हैं तो उनको भी आप हेल्प, या कोई बड़ी कज़न्स होते हैं उनको भी आप हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि अच्छा आप अपना चेहरा इस तरह कर लें उस तरह कर लें, अपने लिए करें किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। अच्छा ये है पाइनएप्पल जूस, अब पाइनएप्पल जूस के हम ले रहे हैं, ये ताज़ा पाइनएप्पल जूस है। ताज़ा भी ले सकते हैं, टिन का भी ले सकते हैं, बिल्कुल अगर ताज़ा लेंगे बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि पाइनएप्पल में होता है ब्रोमेलेन। अच्छा ब्रोमेलेन एक एंजाइम होता है बेसिकली, अगर मैं अपना अंगूठा इस जूस में 10 मिनट के लिए डिप कर दूँ तो मेरे फिंगरप्रिंट्स ख़त्म हो जाएंगे। हैं यस, यानी जो फिंगरप्रिंट्स कहाँ पर होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं सेकेंड लेयर में होते हैं ना, तो आप सोचें कि अगर हम रिंकल्स के लिए लगाएंगे तो फाइन लाइंस तो फौरन ही ख़त्म हो जाएंगी। हाँ ठीक, 20 मिनट्स के लिए मैं 10 मिनट्स डिप कर रही हूँ, वो फिर आने के लिए वापस 2 दिन लेंगे। तो अगर आप डेली बेसिस पे लगाते रहेंगे तो अब ये पूरी दुनिया में जो है बहुत ऑथेंटिक जो है वो पाइनएप्पल पे रिसर्च हुई हुई हो और एंटी रिंकल के लिए सबसे बेनिफिशियल इफेक्ट देता है, सबसे ज्यादा माइक्रोपीन एंजाइम सीरम जितने भी अब आए हैं उन सब में पाइनएप्पल जूस से एक्सट्रैक्टेड ब्रोमेलेन होता है बेसिकली। अच्छा ब्रोमेलेन पाउडर इवन मिलता है, अगर आप उसको सुबह जो है निहार मुंह पीते हैं तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है, फैट कटर होता है बेसिकली, फैट क्लटरिंग कराता है। अब फेस पे जब लगाते हैं तो आपके फाइन लाइन्स तो फौरन खत्म हो जाती है, अंडर आई भी लगा सकते हैं हर जगह। हाँ। और जो डीप लाइंस होती हैं वो डेवलप ही नहीं होती हैं। तो ये आप जैसे पाइनएप्पल जूस लगाएंगे तो कुछ कोई चीज मिलाएंगे अंदर? अभी सारी चीजें बता रही हूँ। हाँ, ठीक है, इसमें हमने ये लिया 2 चम्मच ये ले लिया, उसमें हम शामिल कर रहे हैं, सामने आ गया शायद जूस। अच्छा हाँ, अब इसमें हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस जो है वो विटामिन सी प्रोवाइड करेगा बेसिकली, और 1 चम्मच हम इसमें लेंगे खुश दूध। अच्छा ठीक है हाँ, और फिर जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए हम इसमें शामिल करेंगे शहद। शहद ठीक है, शहद, लेमन जूस, पाइनएप्पल जूस, बिल्कुल 1/2 टीस्पून लेना है हमने इसमें, पाउडर्ड मिल्क, पाउडर मिल्क 1/2 टीस्पून, ये चार चीज़ें। और ये जो है वो सीरम रेडी है। हाँ इसको लगाना है 20 मिनट्स के लिए। अच्छा इसको पूरे मुंह पे लगाएं या जहाँ जहाँ फाइन लाइन्स हैं? आप पूरे मुंह पे लगा सकते हैं, अंडर आर्म पे। ये माइक्रो पील एंजाइम सीरम है, सिर्फ रिंकल्स के लिए नहीं है। जो चीज़ जैसे हमने दूध मिलाया, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, वो आपको पीलिंग इफेक्ट देगा, एक्सफोलिएशन कराएगा बेसिकली सुपरफिशियल स्किन, आपके नकल्स डार्क हैं, आपकी कोनियाँ डार्क हैं, हर जगह लगा सकते हैं। लेकिन फेस पे लगाने के लिए कुछ डायरेक्शंस होती हैं, आपने यूँ अपर डायरेक्शन में इसको लगाना है, ऐसे अपर डायरेक्शन में लगाना है, यहाँ पे लगाना है, और 20 मिनट्स के लिए बात नहीं करनी, और नेक पे लगाना है, ये मसल टाइट करना है, कितनी देर के लिए लगाना है ये इसको प्लैटिज्मा मसल कहते हैं, जैसे उमेराइल कह रही थी ना ये टेप लगाने, तो वो लेट के लगाए तो ही बेहतर नहीं, आप खड़े लगाएं और अपनी नेक को यूं रखें, हाँ यूं रखना है। कितनी देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स में आपको ऐसी टाइटनिंग फील होगी, और फिर जब आप फेस वॉश करेंगे तो लैक्टिक एसिड के एक्सफोलिएशन की वजह से और शहद की मॉइस्चराइजेशन की वजह से आपको बिल्कुल बेबी स्किन फील होती है, टोटली बेबी स्किन। डेली बेसिस पर करना चाहें डेली बेसिस पर कर सकते हैं, कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है, क्योंकि पाइनएप्पल जो है उसमें जो ब्रोमेलेन एंजाइम है वो ऐसे एक्ट करता है कि आपकी स्किन की फर्स्ट लेयर को बिल्कुल रिमूव कर देता है, आप सारे फेशियल सब कुछ, और अंडर आई पर जब लगाएंगे बिल्कुल टाइट ऐसे आपने करना है, ऐसे। ठीक, और मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो आप करें कोई भी माइक, चाहे ये बनाएं चाहे आप जो इन हैंड ले रहे हैं, जो भी सीरम यूज़ कर रहे हैं, जो अपने अपर आई पर यूज़ कर रहे हैं, इवन आपने बोटॉक्स करवाया हो, फिलर करवाया हो, आप स्पून, ठंडा स्पून लेकर यहाँ पर ज़रूर रखें ऐसे, उससे क्या होगा, फ्रीज़र में रखकर उसे ये मसल टाइट होता है। ये टाइट होता है, ये ग्रेजुअली जो है हीटिंग इफेक्ट जो होता है, आप देखते हैं ना आपकी नानी दादियाँ जो है, आपकी अम्मी जो है वो
एक उनकी सैग कर रही है, आंखें यूं ना डूब चुकी जुकी। अच्छा वो क्यों जल्दी सैग कर जाती है? कुछ तो एंजाइटी से होती है, परेशानी से होती है, और कुछ ये होता है कि हम कुकिंग करते हैं यूं कर रहे होते हैं इस तरह, तो ये वाले मसल जो है वो लेक्स कर जाते हैं, ये जमीन की तरफ कशिश शकल जिसे कहते हैं, इस वजह से तेजी से लेक्स करते हैं। आप जितना ठंडा स्पून यहाँ पर रखेंगे सिरम लगाकर, या नॉर्मली भी आप 15 टाइम्स इस तरह यूं करेंगे, आपका ये लिफ्टिंग इफेक्ट रहेगा। और इससे क्या होता है, इससे बोटॉक्स भी इवन जो है वो 6 मंथ्स तक के 7 मंथ्स तक के सस्टेन करता है, तक यहाँ तक के ऐसे। सिर्फ स्पून आपने रखना है ठंडा, एक स्पून ये स्पून लिया आपने, आपने फ्रीजर में रख दीजिए, 3-4 फिक्स कर लीजिए, और आपने ऐसे रखना है दोनों तरफ करके, ड्रामा देखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे लिफ्टिंग इफेक्ट बहुत ऐसा अच्छा, एक तरफ का ज्यादा हो जाए एक तरफ का, ये दोनों एक साथ, इसलिए मैं बोले क्योंकि दोनों एक साथ कैसे करेंगे बिल्कुल नहीं, दोनों एक साथ अगर ना भी करें तो देखें 10 मिनट्स आपने यहाँ पे किया, और 10 मिनट्स फिर करना नहीं भूलिए दूसरी तरफ, बड़ा ही हो जाएंगे मतलब। बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ जो फर्स्ट रेमेडी इसने डबल चिन की बताई थी, तो हमने पता नहीं किसी ने, हमने मैंने बताई थी या किसी ने, तो मेरे पास एक मैसेज आया कि मैं जो हूँ वो लगा के सो गई। हाँ। अब देखिए रेमेडीज ऐसी चीज होती है कि आपने कोई भी अपनी तरफ से केयरलेसनेस नहीं करनी है। अब जब वो सो गई तो उन्होंने मुझे पिक भेजी कि मेरा एक तरफ से ये चपटा हो गया और ये चीज नॉर्मल हो गई है, अब इसका क्या सलो। और वो थी भावल नगर से, अब कराची आप आ नहीं सकते, उसका या तो हम फिलर से कोशिश करें, PRP से करें कि दोनों चीज बैलेंस हो। तो ये मिस्टेक्स इन रेमेडीज में, ये मिस्टेक्स करने, ये बड़ी पावरफुल, ये देखें ये मार्केट की चीज़ नहीं है कि आपको टाइम देगी, अगर आपकी बॉडी पे इफेक्ट आना है ना। अब जैसे कॉफ़ी ऐड किया था, कॉफ़ी बहुत पावरफुल फैट बर्नर होता है, लगाए और अगर आपने एक करवट लेके सो गई तो आपकी वहाँ से फैट चला गया। अब इसमें आपकी बॉडी ने जल्दी से उसको यूटिलाइजेशन करी, तो कह रही है अब इसका सलूशन बताइए, वो भी कि मुझे कराची ना आना पड़े, मैं नहीं आ सकती। तो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, कोशिश किया कीजिए कि रेमेडीज़ को इस तरह यूज़ करें कि जिस दायरे में बताई गई है उसी दायरे में इस्तेमाल करिए। तो ये होगी जी ज़बरदस्त रेमेडी, ये थी हमारी रेमेडी जो आपके रिंकल्स को, आपकी झुर्रियों को दूर भगाएगी, और ये सिरम 4,500-5,000 रुपये का मिलता है जो आपको 50 रुपये के अंदर अंदर बताया गया है जी।